दोनों में ही सिमिलर गेम मिलते हैं और गेम हम खेल के देख लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ बड़ा मिलता है थोड़ा सा आपको, यहाँ पे स्पंग प्रो का जो कि ज़्यादा बेटर लगता है, देख सकते हो यही है ना। अब गैस यहाँ पे बैक करते हैं। सो गैस आज हम फिर से आ चुके हैं आपके सामने कमाल की वीडियो लेके आ गए हैं। यहाँ पे एक तरफ है यहाँ पे पेबल की कॉस्मोस ल्यूक्स 3.0 अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई, इसका मैंने रिव्यू अनबॉक्सिंग कर रखा है, काफ़ी अच्छी वॉच है। मेटल डायल मिलता है, 1.43 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, बट इसी का ही एक कॉम्पिटिटर है हमारे पास ऑलरेडी, यहाँ पे है अल्ट की स्पंक प्रो। ये सेम यहाँ पे भी आपको फीचर देखने को मिलते हैं, इवन दो इसकी डिस्प्ले बड़ी है, 1.46 इंच की आई गेस डिस्प्ले मिलती है, 1.45 इंच की बेसिकली, तो स्लाइटली बड़ी मिलती है डिस्प्ले एंड डायल साइज भी बड़ा मिलता है और थोड़ी सी ये हैवी भी लगती है इस वॉच से। ब्लैक बॉर्डर दोनों में ही ऑलमोस्ट कम है क्योंकि यहाँ पे जो परीक्षा ड्रिंक प्रोवाइड करेगी स्लाइटली ज़्यादा बेटर मिलता है इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक बार वाला वॉच फेस दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई वैसा वॉच फेस नहीं है जिसमें आपको पता चल सके। देखो यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ज़्यादा मिलता है इससे, इसमें आपको ब्लैक बॉर्डर थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे तो इसमें ब्लैक बॉर्डर कम मिलता है, ये है थोड़ा सा। एंड जो स्ट्रैप साइज है वो दोनों का ही सेम है, 1 पॉइंट मतलब 22 mm स्ट्रैप साइज मिलता था। फिजिकल ओवरव्यू की बात करने से पहले आप चैनल पे आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम कमाल की डील लाते रहते हैं, लो प्राइसिंग का आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। पीछे की साइड आपको यहाँ पे सेंसर मिल जाते हैं, बट यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है अल्ट की स्पंक प्रो में, बट पेबल में आपको वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। डेडिकेटेड रेड एंड ग्रीन एक्सेंट के सेंसर तो दोनों मिल जाते हैं। स्पीकर का वेंट ये है, ये रहा स्पीकर का वेंट, और माइक का यहाँ पे मिल जाता है छोटा सा, और यहाँ पे भी माइक का वेंट मिल जाता है, तो ये है। और उसी के साथ साथ सेकेंडरी बटन दोनों मिल जाती है, ऊपर की साइड रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है, तो सेकेंडरी बटन यहाँ पे कस्टमाइजेबल दोनों में से किसी में नहीं मिलती। रेस्ट वेक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ दोनों में ही किसी में काम नहीं करता, दोनों का यूआई एकदम डिटो कॉपी चेप रखा है यहाँ पे। मुझे लग रहा है पेबल ने अल्ट की स्पंक प्रो को कॉपी किया पूरा का पूरा, क्योंकि अल्ट की स्पंक प्रो पहले आई थी, तो ये भी मानने वाली बात है। एंड गाइस यहाँ पे ऊपर की साइड से स्वाइप करते हैं, सेम यूआई मिलता है, एकदम डिटो एग्जैक्ट सिमिलर ही यूआई मिलता है देखने के लिए। यहाँ पे देखते हो कनेक्टिविटी शो करता है, उसके बाद ब्राइटनेस लेवल शो करता है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 5 मिनट तक के रख सकते हो इसमें, मतलब स्क्रीन को वेक, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस रखे यहाँ पे 5 मिनट तक वेक रख सकते हो। अलार्म सेट कर सकते हो वॉच में इटसेल्फ, बट ओनली वाइब्रेट करता है, रिंग नहीं करता है, और पीक ब्राइटनेस मैंने फुल कर रखी है, ब्राइटनेस लेवल्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं दोनों में ही। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ये मेन्यू स्टाइल मिल जाते हैं देखने के लिए, और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, सेटिंग में जाते हैं ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आपका लोकल क्लॉक को 24 आवर पे भी आप सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड सेटिंग का ऑप्शन मिलता है जो कि पेबल की वॉच में भी मिलता है देखने के लिए। एंड लैंग्वेज का सपोर्ट मिलता है, मेन्यू स्टाइल यहाँ पे आपको ज़्यादा मिल जाती है, इसमें भी आपको 4 मिलती हैं, इसमें भी आपको सेम सेम गैस डेटो कॉपी कर रखा है। उसके बाद AOD मिल जाता है दोनों में ही, और रेस्ट वेक, और यहाँ पे ऑलवेज ऑन और पावर अबाउट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गैस यहाँ पे अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं राइट साइड में स्वाइप करते हैं, सेम एकदम डिट्टो यूआई एकदम सेम मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे कुछ विजेट्स मिल जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको कॉलिंग वाला ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है यहाँ पे इधर की साइड ही शॉर्टकट में, बट यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा विजेट सेक्शन मिलता है। नीचे की साइड से मैसेज नोटिफिकेशन शो करता है, और यहाँ पे डायरेक्टली बटन को टैप करते हो तो यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स मोड ओपन हो जाता है। तो एक बार वॉकिंग करके देख लेते हैं, 50 स्टेप चल के देखते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी दोनों में से बेटर किस में मिलती है एक बार। सो गाइज फाइनली हमने हमने 50 स्टेप चल लिए हैं, और यहाँ पे 50 स्टेप चलने के बाद यहाँ पे 48 शो कर रहा है, और इसमें आपका 60 शो कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये स्लाइटली बेटर है, पेबल की वॉच की एक्यूरेसी थोड़ी सी बेटर मिल रही है अल्ट की स्पंक प्रो से। एंड अब हम यहाँ पे मेन मेन्यू को चेक करते हैं, एक लाइक तो बनता है गाइस चैनल पे पहली बार आए हो तो। आगे बात करते हैं यहाँ पे, देखो इन्फाइनाइट स्क्रॉलिंग मिलती है, थोड़ा सा मेरे को इरिटेटिंग लगता है, मतलब कुछ ज़्यादा यहाँ पे अब ढूंढना पड़ता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि इन्फाइनाइट स्क्रॉलिंग मिलती है। यहाँ पे हम सबसे पहले कॉलिंग वाला चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आई गेस ये वॉच कनेक्टेड है, ये तो कनेक्टेड है, देखो कॉल ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाता है इसमें आपको, लाउडनेस ठीक है यहाँ पे, आपने अपना हाई स्पीड इंटरनेट कोटा का पूरा उपयोग कर लिया है, तो इस तरीके से देखने को मिल जाता है। अब गैस हम इसमें चेक कर लेते हैं, जानना चाहते हैं कि आपका तो गैस लाउडनेस तो मेरे ख्याल से सेम ही मिलती है दोनों में ही, है ना, या आप अपना इंटरनेट यहाँ पे सुन कोटा सकते हो आप। अधिक प्रभावी। वैसे यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट प्रॉपर काम करता है, कोई भी दिक्कत नहीं है एज सच। आगे बात आती है यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है, एक्टिविटी का ऑप्शन देखने मिलता है, तो गाइज इवन यहाँ पे मेन्यू स्टाइल मेन्यू भी यहाँ पे एकदम सेम ही रखा गया है। उसके बाद कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलता है, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, हार्ट रेट ऐसे डेडिकेटेड सेंसर के साथ दोनों ही वॉचेज आती हैं, ग्रीन एक्सन का सेंसर एंड रेड एक्सन का सेंसर मिल जाता है देखने के लिए, ओवर द एयर यहाँ पे काम नहीं करती दोनों ही वॉचेज। उसके बाद स्ट्रेस मॉनिटर तो है ही है, स्लीप मॉनिटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे
जैन मोड में जाता है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर भी मिलता है इस वाली वॉच में, इसमें ब्लड प्रेशर नहीं मिलता। बट गाइस मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप सभी को कि इन सब वॉचेस से आप ये सब चेक करें, ब्लड प्रेशर और ये सब चिप चेक कर रहे हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके बाद यहाँ पे अलार्म का ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ पे भी अलार्म आप लगा सकते हो वॉच में इटसेल्फ, बट ओनली वाइब्रेट करता है, रिंग नहीं करता है। और म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन होता है, म्यूजिक प्ले भी कर सकते हो दोनों ही वॉचेस में, बट यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद कैमरा शटर है, फाइंड माय फोन है, थोड़ा सा मेन्यू स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर रखा है, मतलब आइकन्स थोड़े से चेंज कर रखे, वरना तो एग्जैक्ट सिमिलर ही देखने को मिलता है दोनों ही वॉचेस में। वर्ल्ड क्लॉक मिल जाता है, इसमें भी आपको वर्ल्ड क्लॉक मिलता है, वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक मार्केट का ऑप्शन मिलता है, जो कि पेबल की वॉच में मिसिंग है। और उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेटर मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। कैलेंडर भी दोनों ही वॉचेस मिल जाते हैं, गेम भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे गेम देख लेते हैं कौन सा मिलता है। तो दोनों में ही सिमिलर गेम मिलते हैं और गेम हम खेल के देख लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ बड़ा मिलता है थोड़ा सा आपको, यहाँ पे स्पंग प्रो का, जो कि ज़्यादा बेटर लगता है, देख सकते हो, यही है ना। अब गाइस यहाँ पे बैक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, स्पोर्ट्स का ऑप्शन मिलता है, देखने को मिल जाता है। तो यही सब फाइनल चीज़ें मिल जाती है देखने के लिए। अब गाइस यहाँ पे हमने ये तो चेक कर लिया, एक्यूरेसी मैं कहूँगा यहाँ पे डिसेंट मिलती है, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं होगी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं होगी। यहाँ पे पेबल थोड़ी सी बेटर एक्यूरेसी लेके आती है, हमने चेक कर लिया स्टेप्स काउंटिंग में। एंड हार्ट रेट एसपीटू को रिकमेंड नहीं करती कंपनी वैसे भी, और मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वॉच से चेक करें, एज अ रेफरेंस ही आप ले सकते हैं वॉच में, इसको एज अ एक्चुअल मेडिकल डिवाइस नहीं मान सकते। अब गाइस यहाँ पे कंक्लूजन में ये निकल के आता है कि देखो यहाँ पे कम प्राइस में अगर आपको चाहिए तो स्पंक प्रो काफ़ी बेटर ऑप्शन मिल जाता है, सिर्फ 1500 रुपये मिल रही है, यहाँ पे आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। इवन तो यहाँ पे फीचर सेम है, यूआई सेम है, और बिल्ड क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलती है दोनों ही वॉचेस में, और रिंग टाइप की मिलती है। ये थोड़ा सा बेटर भी है इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एज कम्पेयर टू पेबल की वॉच। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सेंस बनता है अल्ट की स्पंक प्रो लेने का, क्योंकि अल्ट की स्पंक प्रो कम प्राइस में भी है, सेम फीचर लेके आती है, डिस्प्ले साइज भी बड़ा है, और ओवरऑल रोटेटिंग क्राउन भी देखने को मिल जाता है, और सब कुछ सेम ही है गाइस, ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं है। ये थोड़ा सा कह सकते हो रगेड टाइप का फील लगता है इसका, बट रगेड है नहीं, ये है, ये फॉर्मल लुक के साथ आती है देखने के लिए। स्पोर्टी लुक दिया गया तो फॉर्मल लुक ज़्यादा है, ये स्पोर्टी कम है लुक, तो ये है कहीं ना कहीं। तो गाइस यहाँ पे विनर कौन सी है, स्पंक प्रो स्ट्रेट अवे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें बिना कहीं भी नहीं जाना है आपको, बेल आइकन कॉल कर देना है। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।